हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि आप किसी भी तरह के सरफेस के ऊपर पेंट लगाए तो उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो अभी आप फिलहाल देख सकते हो कि हमने एक टैंक के ऊपर से पेंट रिमूव करके आपके साथ शेयर किया है। तो ये पूरी प्रोसेस सब मुझे लोगों को, आप कहीं पर भी कौन से भी पेंट हो तो उसे रिमूव कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो, हमने सुपर 555 पेंट रिमूवर यूज़ किया और उसके कुछ डिटेल्स यहाँ पर आप पॉज करके देख सकते हो। वैसे इसके MRP भी मैं आपको दिखा दूँ तो 500 ml हमें 190 rupees में मिला है। और इसे अप्लाई किस तरह से करना है तो उसके लिए ये आपको मैंने बताया ना, अपाचे का एक टैंक है उसके ऊपर मैं आपको पूरी प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। तो पेंट रिमूवर कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमें इसे अच्छे से जो हमारा ढक्कन वगैरह वो खोल देना है और कांच या फिर प्लास्टिक का बर्तन लेना है, उसके अंदर निकालना है। 500 ml पूरा नहीं निकाल देना है, हमें 200 ml निकालना है। 200 ml जितना निकालोगे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर सिर्फ ब्रश हमारा कोई भी हो वो डिप होना चाहिए। और फिर इस तरह से ब्रश की मदद से सब जगह पे इसे अच्छे से फैला देना है। इस तरह से फैलाने का मतलब ये होता है कि हम डायरेक्ट भी इसके ऊपर छेद वगैरह करके गिरा सकते हैं, पर वो डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर पहले कोटिंग लगी होती है। वो फिनिशिंग वाला पेंट होता है तो पहले पकड़ नहीं बना पाता है पेंट रिमूवर, और वो डायरेक्ट नीचे आ जाता है। तो उसके लिए हमें पहले इस तरह से सभी सरफेस पर इसे अच्छे से ब्रश की मदद से एक कोट लगा देना है और उसे 2-5 मिनट ऐसे ही रहने दोगे तो उसका जो रिएक्शन है वो करना स्टार्ट हो जाएगा और फिर हमारा काम ईजी हो जाता है। वो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ईजी किस तरह से होता है तो आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं दूसरी बार लगा रहा हूँ और वहाँ पे थोड़े से बबल जैसे कलर है वो ऊपर से आ रहा है, यानी कि अलग से दिख रहा है। वो कलर जैसे होता है ना, पपड़ी जैसा बन रहा है, तो वही पेंट रिमूवर का काम होता है। ये इसका केमिकल रिएक्शन होता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है पेंट रिमूवर को। ऐसा नहीं होता है कि लगा दिया और तुरंत पेंट निकल जाएगा। तो इसी तरह से हमें लगाना है। जैसे कि फिर से देखो, यहाँ पर जैसे ही वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए उसके ऊपर हम फिर से एक दो कोट लगाते रहने, बस उसके अंदर हमें पेंट रिमूवर डालने रहता है। उसकी वजह से जो मेटल और पेंट के बीच में जो सरफेस होता है ना, वो खुलने लगता है, वो हाथ से पकड़ छोड़ने लगता है। अब यहाँ पर मैं मेटल यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं मेटल बोल रहा हूँ। अब इसे वुड, प्लास्टिक कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसे कि वो बबल हो रहा है उसके ऊपर ही मैं जानबूझ के और रिमूवर डाल रहा हूँ, जिसकी वजह से वो और अंदर जाए, मेटल और पेंट के बीच में जाए और पेंट को मेटल से छोड़ दे। तो यहाँ पर आप देखो कैसा रिएक्शन होके किस तरह से पपड़ी वगैरह बन रहा है। तो ये आप ध्यान रखना है कि ऐसे पपड़ी वगैरह बने, उसके बाद ही इस तरह से ब्लेड घुमाना है और ये पेंट को निकालना है। अभी देखो, जल्दबाजी करोगे तो इस तरह से नीचे जो प्राइमर है ना वो रह चुका है, ऊपर ऊपर से पेंट रिमूवर हुआ है। तो उसके लिए हमें फिर से फिर लगाना पड़ेगा वहाँ पे, जो ये अभी पिंक पिंक दिख रहा है ना वहाँ पर, जैसे कि रेड वाला पेंट तो निकल चुका है पर नीचे पिंक जो उसका प्राइमर था वहाँ पे निकला नहीं है, तो वहाँ पे हमें फिर से निकालना पड़ेगा। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार मैं बोलता हूँ, आपको सजेशन भी कहो या कुछ भी कहो, प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह का काम हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। देखो इसे जो रिएक्शन होता है उसके बाद कैसा दिखता है, कुछ इस तरह से दिखेगा, तभी आपको इसके ऊपर से पुट्टी ब्लेड वगैरह कुछ भी यूज़ करके इसे हटाना स्टार्ट करना है। दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आप ब्रश वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो तो कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो पेंट रिमूवर लगाने के लिए, पर वहाँ पर आपको ग्लव पहनना पड़ेगा। ब्रश होता है तो वो उसका सेफ्टी के लिए उसका हैंडल होता है, वहाँ से आप पकड़ के लगा सकते हो, पर डायरेक्ट लगा रहे हो तो आप ग्लव पहन लेना, क्योंकि ये पेंट रिमूवर हाथ पे लगता है तो खुजली जैसा होता है, थोड़ी जलन और खुजली होती है, तो उसकी वजह से आप पहन सकते हो। और उसके बाद जैसे ही ये निकलना लगे तो इस तरह से आप पुट्टी ब्लेड का यूज़ करो और इसे आसानी से निकालना स्टार्ट कर दो। अब दोस्तों, एक ही बार में पूरा नहीं निकलेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसे जितना निकले, जैसे कि ये पपड़ी बन चुकी है तो वहाँ पे देखो डायरेक्ट मेटल आ रहा है, पर कई जगह पे ऐसा भी होता है कि उसका रिएक्शन होने में अभी थोड़ा टाइम हो और हमने वहाँ पे पुट्टी ब्लेड घुमा दिया, तो उसे बड़ जबरदस्ती नहीं करना, हमें जितना निकलता है उतना निकल देना है। जैसे कि आपको देखो, हमने दूसरी साइड का भी आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पे हमने अच्छे से सूखने दिए, मतलब पूरा डाल डाल के किया, तो वो कितनी आसानी से पूरा मेटल को हटा ले रहा है, उसका पेंट प्राइमर सब हट जाता है। तो इसी तरह से हमें करना है, थोड़ा टाइम दोगे तो आपके इसके ऊपर फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी आएगी। और ये आपको चाहिए पेंट रिमूवर आपके यहाँ अगर कोई और मिल रहा है और आपको कि नहीं आपने जो यूज़ किया था वही चाहिए, तो मुझे कमेंट में बताना कि सर हमें चाहिए, तो मैं आपको उसके MRP पे भिजवा दूंगा और अलग से जो उसके चार्जेस हो गए ना शिपिंग के लिए या फिर आपके यहाँ डिलीवरी के लिए, वो आपको चुकाने होंगे। मैं आपको जो उसके MRP पे मिलेगा वो आपको पार्सल करवा दूंगा, पार्सल का चार्ज आपको देना है। इस तरह से अब मैंने बोला था ना आपको कि किस तरह से रिमूव हो सकता है, तो आसानी से पुट्टी का रिमूव हो चुका है। अभी दोस्तों, एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर दोस्तों आप एक्स्ट्रा देख रहे हो ना, कहीं पे लाल लाल धब्बे दिख रहे हैं, पूरा मेटल नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हमें फिर से
हर जगह पे जहाँ पे वैसे धब्बे हैं वहाँ पे पेंटिमोर लगा दे रहे हैं। ब्रश की मदद से ही लगा रहा हूँ, अब चाहो तो इसे डायरेक्ट अब लगा सकते हो कपड़े वगैरह से, पर नहीं वो नहीं करना है, ब्रश ही आप लगाओ सही रहेगा, सेफ्टी फर्स्ट। तो इस तरह से हमने पूरा ये देखो ना, ये वाला जो पार्ट मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया ना वो वाला है, तो वहाँ पे हमने किस तरह से पूरा सूखने दिया है, अंदर डाल डाल के उसे पूरा फूकने दिया है अच्छे से पेंट निकल जाए, उसके बाद ही मैंने आगे दिखाया वो हमने किया था। अभी सब जगह पे ऑलमोस्ट निकल चुका है, जहाँ पे नहीं निकला था वहाँ पे भी हमें अच्छे से कर दिया। उसके बाद साफ कपड़ा लेना है कॉटन का और उसे अच्छे से घिसना स्टार्ट कर देना है। घिसना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेंटिमोर लगा रहेगा और हम टंकी पड़ेंगे तो जलन वगैरह हो सकती है और हमें पता नहीं चलेगा कहाँ पे पेंट बाकी रह चुका है। यहाँ पर दोस्तों देखो कपड़ा लगाने के बाद पूरा मेटल इस तरह से दिख रहा है, तो यहाँ पर अब हम जहाँ पर भी बाकी है वहाँ पे पेंट रिमूवर लगा के फिर से हटा सकते हैं और उसके बाद प्राइमर वगैरह कर सकते हैं। तो ये था पूरा पेंट रिमूवर को किस तरह से लगाना है और किस तरह से हटाना है। इसके बाद आप पुट्टी प्राइमर और फिर से पुट्टी प्राइमर करके पेंट कर सकते हो अगर मेटल पे करना है तो। आई होप दोस्तों आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।